नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को तेज रफ्तार और विस्तार देते हैं। शुरुआत करते हैं प्राइम शतक की। कर्नाटक के हुबली में स्पार्कल कैंडल फैक्ट्री में आग, 6 महिलाओं समेत 8 कर्मचारी झुलसे। महाराष्ट्र भाजपा को शिंदे के सीएम बनने का दुख, प्रदेश अध्यक्ष बोले दिल पर पत्थर रखकर बनाया मुख्यमंत्री ताकि सरकार स्थिर रहे। ज्यादा श्रेय मत लो, शिवसेना में टूट के लिए सिर्फ उद्धव जिम्मेदार, देवेंद्र फडणवीस से बोले राज ठाकरे। तेज रफ्तार कार के चलते स्कूली छात्रा पर कीचड़, आईएएस ने शेयर की पिक्चर, यूजर्स बोले प्लीज ड्राइव स्लो, छात्राओं ने बस खींचकर बाहर निकाली। बेअदबी गोलीकांड पर घिरी आप सरकार, इंसाफ मोर्चा के अल्टीमेटम का टाइम खत्म, एजी ऑफिस की टीम को लेकर फरीद को पहुंचेंगे मंत्री हरजोत बैंस। एमपी में स्कूल टॉयलेट में फोर्थ क्लास की बच्ची से रेप, भोपाल में सफाई कर्मी के पति ने की हैवानियत। मीडिया पर बरसे सीजीआई एनवी रमना, बोले पक्षतापूर्ण एजेंडा चालित और आधी अधूरी जानकारी। बड़े साहब की तरह चुपके से शराब का आनंद ले, शराब बंदी वाले बिहार में पूर्व मुख्यमंत्री की सलाह। छह राज्यों में कोरोना का खतरा बढ़ा, बीते 24 घंटों में देश में 20,269 नए केस, महाराष्ट्र केरल के बाद बंगाल ओडिशा में संक्रमण बढ़ा। गुवाहाटी में बारिश के बाद सड़कों पर पानी भरा, भोपाल में आया ऑरेंज अलर्ट, गुजरात में 50 डैम हाई अलर्ट पर रखे गए। पार्थ चटर्जी की तबियत बिगड़ने के बाद ममता के मंत्री अस्पताल में भर्ती, अगली पेशी तक अस्पताल में रहेंगे, कोर्ट ने ईडी को दी 2 दिन की रिमांड। अवैध बार चलाने के आरोप पर भड़की स्मृति ईरानी, कहा मेरी बेटी कॉलेज स्टूडेंट है, बार नहीं चलाती, कांग्रेस से कोर्ट में जवाब मांगूंगी। आज बतौर राष्ट्रपति आखिरी बार देश को संबोधित करेंगे रामनाथ कोविंद, संसद से सेंट्रल हॉल में विदाई लेने वाले आखिरी राष्ट्रपति बने रामनाथ। डब्ल्यूएचओ ने मंकी पॉक्स को वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया, भारत में सामने आया तीसरा मामला। टीएस सिंहदेव के साथ मतभेदों के बीच दिल्ली पहुंचे भूपेश बघेल, कांग्रेस नेतृत्व से करेंगे मुलाकात। बिजनौर में पकड़ी गई नकली खाद बनाने की फैक्ट्री, ब्रांडेड कंपनियों के टैग लगाकर खाद से भरा बोरिया व दवाएं बरामद। काशी विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह में मारपीट, सप्तऋषि आरती से पहले कपाट बंद हो रहे थे, 2 श्रद्धालु अंदर घुसे, शुरू की हाथापाई। महाराजगंज में एसपी ने चलाया तबादला एक्सप्रेस, 9 इंस्पेक्टर सहित 41 पुलिसकर्मियों का किया तबादला, 6 इंस्पेक्टरों से छीनी थानेदारी। बाइक की स्पीड कम थी इसलिए सिर्फ हाथ पैर टूटे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के गड्ढे में गिरने वाले युवक दर्द से 4 घंटे तड़पता रहा।
कावड़ मार्ग पर फोर व्हीलर की नो एंट्री, शिव भक्तों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने उठाया कदम। गोंडा में दबंगों ने गौशाला में किया तोड़फोड़, बैरिकेटिंग तार को काटकर गोवंशों को भगाया, महिला ग्राम प्रधान के साथ की मारपीट। उन्नाव में धारदार हथियार से युवक की हत्या, खेत में पानी लगाने जा रहा था, हथियारों ने घेर कर गर्दन पर किए वार। पीलीभीत में पुलिस को कावड़ यात्रा रोकना पड़ा भारी, हिंदू जागरण मंच के जिलाध्यक्ष बोले कावड़ यात्रा है शव यात्रा नहीं, डीजे तो बजेगा। सुल्तानपुर में अधिकारियों पर कमीशन लेने का आरोप, प्रधान संघ अध्यक्ष बोले बिना कमीशन लिए अधिकारी पैसा नहीं पास करते। प्यार में धोखा पर सुसाइड का आरोप, गिरफ्तार प्रेमी से पूछा क्या तुम शादी करोगे, ना बोलने पर काट ली कलाई की नस। दहाड़ लगाते हुए बाघ ने कार सवारों को दौड़ाया, पीलीभीत के जंगलों में गुजर रहे थे पर्यटक, महज 30 मीटर दूर था बाघ। बिजली की करंट लगने से युवक की मौत, घर से काम के लिए जा रहा था, शहर विद्युत विभाग के खिलाफ परिजनों में आक्रोश। बरेली डीएम ने कहा शासन के हिसाब से बनाया जाए तिरंगा, हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत तो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं बना रही झंडा। रामपुर में तस्करों का गुस्सा, पुलिस ने छात्र पर निकाला हाथापाई कर भाग गए आरोपी, तो मार मार कर तोड़ा पीड़ित का पैर। फरुखाबाद में चाचा ने भतीजी को मारी गोली, मौके पर मौत, पिता की तय की हुई शादी के खिलाफ था आरोपी, हत्या कर हुआ फरार। हाथरस हादसे में 6 कांवड़ियों की मौत के बाद हाथरस के एसपी का ट्रांसफर, देवेश को मिली जिम्मेदारी। लखनऊ पुलिस मुठभेड़ में 3 बदमाश घायल, माफिया गोरखपुर की हत्या के हैं आरोपी। आजमगढ़ के युवक ने मिर्जापुर में दी जान, 2 दिन पहले घर से निकला था, हॉस्टल में फंदे पर झूलता मिला शव। प्रतापगढ़ में कब्र से निकाला गया विवाहिता का शव, 12 जुलाई को बाजार से हुई थी गायब, मृतका की मां बोली ससुराल वालों ने की हत्या। मर्डर केस का पुलिस ने किया खुलासा, झांसी में 950 रुपए खाते में भेजकर प्रेमिका को बुलाया, फिर गला दबाकर कर दी हत्या। गाजीपुर में एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई, हिस्ट्री शीटर विनय सिंह समेत 6 बदमाश गिरफ्तार, 2 हैंड ग्रेनेड बरामद, चेन्नई से बेचने के लिए आए थे। भदोही में कुत्ते के भौंकने से पड़ोसी से हुआ विवाद, मारपीट में 7 लोग घायल, पड़ोसी को देखकर हमेशा भौंकता था कुत्ता। अरिया में ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा, 3 गिरफ्तार, एटीएम बदल कर करते थे फ्रॉड, यूपी एमपी और राजस्थान में सक्रिय था गैंग। शराब के नशे में चाचा भतीजे का हाई वोल्टेज ड्रामा, भतीजे ने बाजार में चाचा पर बरसाई चप्पल, तमाशबीन बने लोग। बेटे और पिता का शव फंदे पर लटकता मिला, घर वालों ने पत्नी को बिना बताए कि अंतिम संस्कार कब्र से निकाला गया शव।
लखनऊ के एक घर में नाग ने डाला डेरा। चार दिन पहले नागिन के काटने से महिला की हुई थी मौत। पकड़ने गए सपेरों के छोटे पसीने। हॉस्टल में पंखे से लटकता मिला छात्र का शव। वाराणसी में इंटरव्यू की बात कहकर घर से निकला था। रामपुर में पूरे गांव को खत्म करने की धमकी। लेटर में गृह मंत्री अमित शाह और 2 करोड़ के इनाम का जिक्र। जांच में जुटी एजेंसियां। चार नहीं 7 बदमाशों ने लूटे थे 40 लाख रुपए। बाइक के साथ स्कॉर्पियो से आए थे बदमाश। खंदौली और फतेहपुर सीकरी से जुड़े रहे था। फरुखाबाद में ट्रांसपोर्टर के घर चोरी। घर में रखे पैसे व जेवरात ले गए चोर। पुलिस जांच में जुटी। हरिद्वार में सड़क किनारे सो रहे कांवड़ियों पर चढ़ा कैंटर। अलग अलग हादसों में 6 कांवड़ियों की मौत। उत्तराखंड में कुर्सी पाने का ख्वाब टूटा। मैं डीपीओ हूं आवास आवंटित करो। शक होने पर सीडीओ कार्यालय चलने को कहा तो खिसकी महिला। केंद्र नेतृत्व के सामने रिपोर्ट कार्ड रखेंगे सीएम धामी। विकास का भावी एजेंडा भी करेंगे साझा। उत्तराखंड में कानून को रिश्वत लेते गिरफ्तार। विजिलेंस की टीम ने रंगे हाथ पकड़ा। किसान ने लगाया था 15,000 रुपए मांगने का आरोप। उत्तराखंड में कैनाल रोड पर पहाड़ काटकर प्लॉटिंग ध्वस्त। खान अधिकारी भू वैज्ञानिक और एमडीडी ने सुपरवाइजर निलंबित। गंगोत्री हाईवे पर पलटा 15 कांवड़ियों से भरा ट्रक। मौके पर पहुंची पुलिस। 4 ने सुरक्षित निकाला। उत्तरकाशी समेत 4 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट। 24 जुलाई से 3 दिन कर जमकर बरसेंगे में। देहरादून में दरगाह पर बवाल। भाजपा नेता तरुण विजय ने उठाया सवाल। कहा उत्तराखंड में इस्लामीकरण को दिया जा रहा बढ़ावा। रामनगर में बाघ से भिड़ गई मां। पूरी ताकत लगाते हुए बचाया शोर। बेटे की बचाई जान। उत्तराखंड में 200 के पार पहुंची कोरोना केस। एक दिन में मिले नए संक्रमितों की संख्या। दून में पार किए सर्वाधिक मरीज। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने द्रौपदी मुर्मू से की भेंट। राष्ट्रपति चुने जाने की दी बधाई। रुड़की में स्ट्री सीटर ने की दिन दहाड़े फायरिंग। बिजली का तार जोड़ने छत पर आए युवक को पीटा। उत्तराखंड में टोल प्लाजा से टकराकर पलटा बेकाबू ट्रक। ठीक सामने खड़ी थी लकड़ी। सीसीटीवी में कैद हुई हैरान करने वाली घटना। उत्तराखंड में अधिकारियों में तूतू बैमे। गोदाम की जांच करने पहुंचे आरओ ने कहा कागजात दिखाओ। इंस्पेक्टर बोले आपको जांच का अधिकार नहीं। दिवालिया होने की गगार पर खड़ा पाकिस्तान। दूसरे देशों को सरकारी संपत्तियां बेचने को हुआ मजबूर।
सड़कों पर उतरे बांग्लादेश के हिंदू, लगातार हमले के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन। श्रीलंका संकट में देश के हालात सामान्य करने को लेकर हुई कैबिनेट बैठक, पेट्रोल की कतार में खड़े दो लोगों की मौत। तुर्की में खोजा गया 4 करोड़ लोगों के हथियारे, चंगेज खान के पोते का महल खुदाई में मिला स्वास्तिक। चीन ने बनाया परमाणु रोबोट, ऑस्ट्रेलिया में घुसकर तबाह कर सकता है किलर पनडुब्बियां। रूस ने वादा तोड़ने में 24 घंटे भी नहीं लगाए अनाज समझौते का उड़ाया मखौल, यूक्रेन पर फिर दागी मिसाइलें। अगर मैं प्रधानमंत्री बना तो पहले दिन से काम पर लग जाऊंगा, सुनक बोले जो चल रहा है उसे चलने नहीं दे सकते। थाईलैंड के पीएम प्रयुत ने जीत, अविश्वास प्रस्ताव 4 दिन हुई बहस के बाद हुए मतदान में मिले 256। हरकतों से बाज नहीं आ रहा चीन, जापान बोला पूर्व और दक्षिण सागर में जबरदस्ती कर बढ़ा रहा तनाव। कैलिफोर्निया में लगी साल की सबसे बड़ी आग, ईरान में अचानक आई बाढ़ में 21 लोगों की गई जान। एलपीजी सब्सिडी बंद कर सरकार ने बचाए 11,654 करोड़, 2021-22 में सरकार ने दी सिर्फ 242 करोड़ की सब्सिडी, एक साल पहले ये रकम 11,896 करोड़ थी। रुपए की संभालने के चक्कर में 20 महीने के न्यूनतम स्तर पर पहुंचा भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। $65 बिलियन के चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से चीन की हालत खराब, तीसरे देश में मदद की आस। आईसीआईसीआई बैंक का मुनाफा 49.59% बढ़ा, अप्रैल जून तिमाही में 6,904.94 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ, ब्याज में आया 20.8% बढ़ी। दुनिया भर में बढ़ रहा महंगाई मीटर, खाने पीने की चीजों पर 10-20% चुकानी पड़ रही ज्यादा कीमत। कारोबारियों के एससी से बड़ी राहत, जीएसटी के बाद फंसे ट्रांजिशनल क्रेडिट लेने का मौका मिला। अमेरिकी कैंसर सोसाइटी में डोनेशन के लिए डोजी कॉइन तीसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी। विदेशी फंड की वापसी, फरवरी 2021 के बाद बैंकिंग शेयरों की सबसे ज्यादा खरीदारी। सेवंथ पे कमीशन, केंद्रीय कर्मियों के लिए गुड न्यूज, डीए में 4% बढ़ोतरी संभव। भारत में 5G कनेक्टिविटी लाने में सबसे आगे रहेगी एयरटेल, एयरटेल के प्रतिबंध निदेशक ने कहा कि कंपनी 5G के लिए पूरी तरह से तैयार है। मिलर को सैम कुरेन ने फेंकी किलर बॉल, बल्ला उठाते ही बोल्ड हो गया बल्लेबाज। एंजोले मैथ्यूज ने टेस्ट क्रिकेट में किया कमाल, श्रीलंकाई क्रिकेट के लिए दोहराया इतिहास।
अजिंक्य रहाड़े बनने वाले हैं दूसरे बच्चे के पिता। पत्नी राधिका ने शेयर की बेबी बंप की तस्वीर। विराट कोहली के खराब परफॉर्मेंस पर पूर्व महिला क्रिकेटर कप्तान का बड़ा बयान। कहा उन्हें पता है क्या करना है। फैमिली के साथ अब बेहद खूबसूरत जगह छुट्टियां मना रहे हैं फैट ड्यू प्लेसी। वाइफ ने शेयर किया वीडियो। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज को सिल्वर। ये मुकाम हासिल करने वाले पहले भारतीय देश का 19 साल बाद मिला गोल्ड मेडल। अठारह साल बाद 400 रनों का पहाड़। इंग्लैंड के बल्लेबाज सैम नॉर्थ ईस्ट के बल्ले ने मचाया तूफान। एक ही पारी में जड़े 410 रन। राहुल द्रविड़ ने पोर्ट्स ऑफ स्पेन में ब्रायन लारा से की मुलाकात। बीसीसीआई ने कहा एक प्रेम में दो लेजेंड्स। मुरली विजय को बाउंड्री पर देख फैंस ने लगाया डीके के नारे। क्रिकेट के हाथ जोड़े। शाहीन अफरीदी घुटने की चोट के कारण दूसरे टेस्ट से बाहर। तूफानी गेंदबाज हारिस रऊफ को मिल सकता है मौका। लंदन से वापस लौटे ऋतिक रोशन और सबा आजाद हाथों में हाथ डाले। मुंबई एयरपोर्ट के बाहर निकलते नजर आए कपल्स। रणवीर सिंह ने फोटो शूट पर अर्जुन कपूर का रिएक्शन। बोले कुछ तो लोग कहेंगे उनका काम है कहना। अरमान मलिक के बर्थडे बैश में पहुंचे इब्राहिम अली खान। सिंगर ने इब्राहिम को बताया अपकमिंग हीरो। साउथ एक्टर कहे जाने पर धनुष का रिएक्शन। बोले साउथ का नहीं हमें केवल इंडियन एक्टर कहा जाए। अर्जुन कपूर का वायरल वीडियो। पेपराजी पर भड़क गए अर्जुन कपूर। कहा हम लोग ये करते हो ना हमारा खराब होता है। दीपेश भान का आखिरी पोस्ट हुआ वायरल। मृत्यु के 3 दिन पहले शेयर किया था वीडियो। लाल सिंह चड्ढा का बीटीएस वीडियो हुआ वायरल। आमिर खान ने दिखाई फिल्म की शूटिंग की झलक। डॉक्टर अरोड़ा के राइटर इम्तियाज अली बोले शहर में एडवर्टाइजमेंट देख सीरीज बनाने का आया आइडिया। कॉलेज के दिनों से जहन में थी कहानी। तानाजी को नेशनल अवार्ड मिलने पर ओम राउत का रिएक्शन। बोले सैफ अली खान के सपोर्ट के बिना नहीं बन पाती फिल्म। डार्लिंग्स के नए पोस्टर रिलीज। रणबीर कपूर ने की पत्नी आलिया भट्ट की डार्लिंग्स की तारीफ। बोले बहुत कमाल की फिल्म है। शतक में इतना ही। देश दुनिया की और तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। सच साहस सरोकार।